पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने 76वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा रेलवे सुरक्षा बल के जवानों, नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों, स्काउट गाइड एवं रेलवे विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत परेड का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक श्री मिश्र ने कहा कि स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ को पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे पर भी अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 18 से 23 जुलाई 2022 तक आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन थीम पर आइकॉनिक सप्ताह मनाया गया। देश में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 75 स्टेशनों को इस महोत्सव हेतु नामित किया गया, जिनमें पूर्वोत्तर रेलवे के 2 स्टेशन चौरी चौरा एवं बलिया सम्मिलित थे। आइकॉनिक सप्ताह के अंतर्गत इन दोनों स्टेशनों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके स्वजनों को सम्मानित किया गया। भारतीय रेल के 75 व्यस्ततम स्टेशनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में अब तक पूर्वोत्तर रेलवे के 21 स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं। श्री मिश्र ने कहा कि इस वित्त वर्ष में गोंडा यार्ड रिमॉडलिंग के फलस्वरूप गोंडा जंक्शन पर प्लेटफार्मों की संख्या 3 से बढ़कर 5 तथा रनिंग लाइनें 10 से बढ़कर 18 हो गई हैं। इस रेलवे पर गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के अंतर्गत अभी तक 3 साइडिंग तैयार कर संबंधित फर्मों को उपलब्ध करा दी गई है। रेल मदद पोर्टल से जन परिवादों के सबसे तेज निस्तारण में भारतीय रेल में पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम स्थान पर। महाप्रबंधक श्री मिश्र ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में माह जुलाई तक 3,97,00,000 से अधिक आरंभिक यात्रियों ने यात्रा की, जो गत वर्ष की तुलना में 252% अधिक है। इस दौरान आरंभिक यात्री यातायात में 85% तथा आरंभिक माल यातायात में 64% की वृद्धि हुई। महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में माह जुलाई 2022 तक 17,00,000 यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ, जिसके फलस्वरूप 76,00,000 रुपए के रेल राजस्व की बचत हुई। कुमारी आदित्य यादव पुत्री श्री दिग्विजय नाथ यादव कार्यालय अधीक्षक भंडार विभाग को डेफ ओलंपिक्स ब्राजील में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर केंद्रीय कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा 51,000 रुपए प्रदान किया गया। एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 10 किलोमीटर रेस वॉक में रजत पदक प्राप्त कर हम सभी को गौरवान्वित किया। महाप्रबंधक ने रेल कर्मियों से अपील किया कि सभी परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करें, रेल संरक्षा एवं सुरक्षा के कार्यों को प्राथमिकता दें, रेल परिसर को साफ सुथरा रखने में अपना पूर्ण योगदान दें। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री मिश्र ने सेवानिवृत्त मुख्य ड्राफ्टमैन नरेंद्र शर्मा एवं सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक कैलाश चंद्र श्रीवास्तव को सम्मानित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने कहा, इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर नेशन
of the parade contingents. स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। Escorted by IG sir and the parade commander Inspector SK Mishra. Shri Ashok Kumar Mishra, General Manager, has assumed the charge of General Manager, any railway on July 1, 2022. He was honored with Rail Mantri Rajbhasha Award while working at ADRM Prayagraj, Chandia. Shri Mishra has wide experience of rail management and administration. सेनानियों एवं उनके सज्जनों को
सम्मानित कर कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में इस क्षेत्र के अतुलनीय योगदान को नुक्कड़ नाटक, देशभक्ति गीत, वीडियो फिल्म, फोटो प्रदर्शनी, सेल्फी पॉइंट के माध्यम से दर्शाया गया। देश की एकता एवं अखंडता के प्रति निष्ठा व्यक्त करने हेतु भारतीय रेल के 75 वर्ष स्टेशनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में अब तक पूर्वोत्तर रेलवे के 21 स्टेशनों पर 100 के ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं। रियासत संबंधित फर्मों को उपलब्ध करा दी गई। यात्री सुख सुविधा के क्षेत्र में हम पुलिस के प्रयास से 11 स्टेशनों पर अतिरिक्त एस्केलेटर एवं 28 लिफ्ट लगाई गई। कलाकार हैं सिद्धार्थ सिन्हा, भारतीय शास्त्रीय संगीत में पारंगत है। तालियां बजाकर प्लीज इनका सम्मान करें। मैं स्वागत करती हूँ श्री कैलाश चंद्र श्रीवास्तव, भूतपूर्व कार्यालय अधीक्षक PCCM ऑफिस गोरखपुर। सेवानिवृत्त सर्वसाधारण को प्रेषित करें। तालियों के साथ इनको परेड कमांडर को विसर्जन की अनुमति मिली। के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75वीं जो स्वतंत्रता की हमारी वर्षगांठ है उसका ये कार्यक्रम आयोजन किया। आज हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है, सब तरफ उल्लास है। रेलवे द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आज यहाँ परेड हुई और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में हम और अच्छी सुविधाएं अपने यात्रियों को देंगे।